अरविंद के, मैं इसका जवाब नहीं दे रहे ना, मुझे विधायक जी से मिला ना मुझे किसी से मिला। आई एम होपिंग दैट यू विल बी एबल टू टेल मी सर, और आप जनता को बता पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर को कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उनको ओरल मेडिसिन दी जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या दिलचस्पी है कि उनको ओरल मेडिसिन नहीं इंसुलिन ही दी जाए? रवि जी, मेरा उल्टा सवाल आपसे ये है, इस तरह के मुद्दे पे डिबेट करने के बजाय अरविंद केजरीवाल को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्यों ना रेफर किया जाए, या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को क्यों ना रेफर किया जाए, मेंटल वहां से राय क्यों ना दी जाए? फैकल्टी होती है, आम आदमी पार्टी के नेता बताएंगे कितनी इंसुलिन लेनी है, या आप बताएं कि उनका हाइपर ग्लाइसेमिक विशाल जी को भी लेकर बढ़ गई है, ये कोई डिबेट का विषय है? नहीं नहीं, आप समझिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बात समझिए, यू आर रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, नो नो कैन आई बी ऑन, नो यू आर रॉन्ग ऑन फैक्ट्स अगेन। अरे सुनिए यार, आप सीनियर है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बात सुनिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, अरे रिपोर्ट है भाई, रवि जी, रवि जी वन वे है कि टू वे है, आवाज आ रही है आपको? और लोग रवि सर, रवि जी शर्म करो, आपकी हेल्थ को भगवान ना करे कुछ हो जाए, आप बताते हैं, अंडरस्टैंड रवि जी, रवि जी एक सेकंड, मिनट लेट हिम, 30 मिनट बाद बोल रहे हैं भैया, क्या हो गया, उनका जूम होते जा रहा है अचानक। रवि जी रिलैक्स, रवि जी रिलैक्स, पहले आप शांत होइए, पहले आप शांत होइए, पहले आप आधा गिलास पानी पीजिए प्लीज, और आप मेरी बात सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिरसा जी नहीं कह रहे, ये विशाल मिश्रा जी नहीं कह रहे, ये विनीत गोयनका नहीं कह रहे, ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर तिहाड़ जेल कह रहे हैं, साहब डॉक्टर है वो, इज द रेजिडेंट डॉक्टर, अरे सारे कैदियों का एक रेजिडेंट डॉक्टर है भाई, अरविंद केजरीवाल जेल में है, अरविंद केजरीवाल घूम नहीं रहे, इट शुड बी गिवन टू अ स्पेशलिस्ट, इट शुड बी गिवन टू अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, हो व्हाट आर यू सेइंग, आरएमओ, एसएमओ, टीएमओ, हु इज इट टू एडवाइस केजरीवाल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ चीफ, रवि श्रीवास्तव, हु आर यू, ही इज अ डॉक्टर, रवि श्रीवास्तव वो डॉक्टर है, आई एम सॉरी, आई थिंक यू लॉस्ट द लॉजिक, No, I think you lost the logical reasoning. आप logical reasoning खोच, आप भूल चुके। राजेश जी, क्या आप भी मेडिकल ऑफिसर को ये बोलेंगे, मैं जरा ऑफिशियल आम आदमी पार्टी चाहता हूँ इसमें, और विशाल मिश्रा जी को भी ले, राजेश जी क्या आप भी यही कह रहे हैं क्या कि जो सिरसा साहब ने जो मतलब इशू उठाया, विनीत जी ने जो उठाया, विशाल मिश्रा जी ने जो उठाया कि डॉक्टर कौन होता है, जेल का डॉक्टर बेकार है, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है? मुझे थोड़ा सा ऐश्वर्य, आज थोड़ी ऐश्वर्य जी, मुझे थोड़ा सा आज साउंड का इशू है क्योंकि मेरे पीछे सभा चल रही है, लेकिन जितना मैं सुन पाया हूँ प्लीज बोलिए। अभी जैसे गोयनका जी ने कहा, वैसे तो आज तो खुदा याद आ गए कि खुदा के पास जाना है, राम राम से शुरुआत करी वैसे खुदा याद आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, राम राम पे ही रहे तो ये ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, सब जगह अच्छे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जब उसके ऊपर एक दबाव हो सकता है, वो एलजी साहब की नौकरी कर रहे हैं भाई, आज की डेट में सारा प्रशासन एलजी साहब के अंडर में है, तिहाड़ जेल जो अभी सिरसा जी कह रहे थे कि हमारे अंडर में है, लेकिन ये सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब जाके रिपोर्ट करते हैं किसको, एलजी साहब को, और एलजी साहब के अंडर में ये सारी चीजें आती है ना, तो देखिए ये तो एक बहुत ही नहीं, ये सुनिए, जेल एक अलग है, जेल अल्टीमेटली आपके मंत्री के अंडर में आता है, और आपका मंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो अभी तो आज ये एक बहुत तगड़ा एक वो भी हो रहा था मीम की, भाई अरविंद केजरीवाल अपनी ही जेल में है तो डीजी प्रेजेंस उनकी सुन रहा है कि वो डीजी प्रेजेंस की सुन रहे हैं, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। सिरसा जी आ रहा हूँ, 30 सेकंड, और राजेश जी बोलिए, सुनिए ऐश्वर्य भाई, सुन ही रहा हूँ, सामने बैठा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का, सुनिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आप अपना कैमरा ही बंद कर दो तो मेरे को कौन देख पाएगा, समझ रहे हो, तो मेरे को तभी तो देख पाएंगे जब आपका कैमरा चालू है, तो सुनेंगे तो तब कोई, जब उसकी उसकी प्रमोशन, उसकी डिमोशन, सब कुछ एलजी साहब के अंडर में है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे साथ में होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। आज जो हालात है, जो चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि नीचे की कोर्ट जमानतें नहीं दे रही, ऐसी ऐसी बातें कहनी पड़ रही है, तो आप समझिए क्या हालात है, सिरसा साहब कहते हैं तानाशाही, जवाब ले रहा हूँ सीधा, काम नहीं करने दे रहे, जवाब ले रहा हूँ, पहलू है ये जो विधायक जी, जवाब ले रहा हूँ सीधा, जवाब ले है मेरे भाई, जवाब ले रहा हूँ, जरा बताइए सिरसा साहब, वो कह रहे हैं आप होने नहीं दे रहे, उनका डायरेक्ट, वो डायरेक्टली कह नहीं रहे, मैं उसको जरा ट्रांसलेट कर दूं, उसका जवाब दीजिएगा, वो क्रिप्टिक भाषा में कह रही है आम आदमी पार्टी कि आप जेल के डॉक्टर से लिखवा रहे हो ये कि उनको नहीं चाहिए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। नहीं देखिए, नहीं तो ऐसा करिए, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनके आतिशी जी एज अ जेल मंत्री लिख के दे दें
कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम बता रहे हैं 60 ml की उनको जो है इंसुलिन लगा, इंजेक्शन लगा दो और उनकी जिम्मेवारी हम ले लेंगे, तो लिख कर दे रहे हैं। जेल मंत्री उनका तो अधिकार है, वो तो कुछ भी लिख कर दे सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यहां जो अभी रवि श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, यहां पे स्पेशलिस्ट ने जवाब दिया, स्पेशलिस्ट ने लिखा है द मेडिसिन स्पेशलिस्ट आफ्टर एग्जामिंग केजरीवाल जी, ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने किया है, ऐसे नहीं है कि आपने और मैंने चलते फिरते कुछ फैसला ले लिया। तो रवि जी, नहीं रवि जी, डिस्कस नहीं होती है भाई, मंजीत सिंह सिरसा एक रिप्यूटेड पार्टी के तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, अच्छा, तुम्हें पता है कि जो ये चीजें हैं कोर्ट में डिस्कस होती है, ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, ही हैज टू गिव इट टू द कोर्ट, तो कोर्ट में ही हुई है ना रवि जी, कोर्ट में एंड द बीजेपी, अच्छा ठीक है, क्या यार बकवास लेके आ जाते हो चैनल के ऊपर, क्या लेके आ जाते हो, बताता हूँ आपने, ठीक है ये बात आपने अच्छी कही। अब रवि जी को प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को लगता है कि ये सारा सच बाहर क्यों आ रहा है, ये इनको दिक्कत क्या होती है, आपने देखो कल भी क्या बोल रहे थे, ये बाहर कैसे आ गई रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बाहर क्यों आ गई, डाइट चैनल बाहर क्यों आ गया, चैनलों पे क्यों घूम रहा है, आज कह रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट बाहर क्यों आ गई, अरे भाई ये कोर्ट में ही गई है और कोर्ट से कॉपियां बाहर आई हैं, कोर्ट के अंदर जो आपके वकील ने फाइल की, कोर्ट के अंदर से जो मीडिया के पास गई और कोर्ट के अंदर जो जेल ने फाइल की, जेल की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर गई, तो ये कोर्ट में डॉक्यूमेंट आ रहे हैं और कोर्ट में ही बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी तंदुरुस्त हैं। और आपको एक बात रवि जी बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का वजन भी बड़ा है, शुगर किसी आदमी को हो उसका वजन नहीं उसका कम होता है, अरविंद केजरीवाल जी का जेल में जाने के बाद और संजय सिंह जी का जेल से बाहर आने के बाद दोनों का वजन में इजाफा हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी तंदुरुस्त हैं। और हम भी चाहेंगे, देखिए हम चाहे पॉलिटिकल लोग हों, एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, कोई भी नहीं ऐसा चाहता किसी के बारे में ऐसे बुरा सोचना बुरा करना, वन शुड बी वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यूज, और जब हेल्थ इश्यूज की बात हो तो हम सबको सीरियस हैं। कहना यह है वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको मेडिसिन मिल रही है, आम आदमी पार्टी सिंपथी लेना चाहती है, ऐश्वर्या जी ये सब इश्यू क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि जब ये घर घर जा रहे हैं ना, तो घर में इनको वहां से भगा रहे हैं लोग, लोग कहती हैं, माताएं कहती हैं भाग जाओ, तुमने हमारे बच्चों को शराब दिया शिक्षा की जगह, माताएं बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं भागो, बहनें कहती हैं तुमने हमारे भाई को शराब की बोतल दे दी और एक के साथ एक मुफ्त दे दी, हम तो खुद प्रार्थना करते हैं कि केजरीवाल जी को सजाओ। अब ये सिंपथी लेने के लिए सहानुभूति लेने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, जवाब दीजिए राजेश जी, टीवी चैनल पर जनतक तौर पर बोल देते हैं अरविंद केजरीवाल जी तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको जो भी दवाई की जरूरत होगी डॉक्टर बताएंगे, उनको दवाई जेल को देनी पड़ेगी कस्टडी में, और जिम्मेवारी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा रवि जी को भी ले आइएगा एक मिनट, सिरसा साहब मैं जरा ये पढ़ रहा हूँ, रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव जी, नहीं राजेश जी आ रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए मुझे, नहीं सुन लीजिए रवि जी, नाम लेते बोलिए मत प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं, आप इतने समय से डिबेट पे आ रहे हो, अंडरस्टैंड, देखिए अगर ये रिपोर्ट सुनिए, अगर ये रिपोर्ट मेरे रिपोर्टर को मिली है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आई एम सॉरी, माय रिपोर्टर हैज एक्सेस इट। अब मेरा रिपोर्टर के पास ये रिपोर्ट है जिसमें ये कह रहे हैं कि आरएमएल के भी आरएमएल, और सुनिए, ही वॉज चेकिंग, ही इज हु अरविंद केजरीवाल was taking oral anti-diabetic medicine, oral, पानी के साथ वाली, oral, गोली या कैप्सूल, he was taking oral anti-diabetic medicine as well as treatment for chronic constipation as prescribed from RML doctors, he allegedly gave history of one episode of hypoglycemia while in custody outside the jail,